जैन साथियों, चलिए आज 17 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आपका महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करते हैं। इससे पहले आपको हम 1 से लेकर 16 सितंबर तक के आपका एक प्रश्न को हल कर चुके हैं। आज हम इससे आगे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये आपका क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन का है कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये आपका बनी है मोहना सिंह, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में यानी एक केंद्र खोला है? मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में एक एक केंद्र खोला है? ये खोला आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन कर आपका कि बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या आपका मन्नू भाकर को, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन कर आपका हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका भारत ने, और ध्यान रखिएगा चीन को 1-0 से हरा करके यह खिताब जीते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए होगा भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए किस देश को नोटिस भेजा है? तो ये आपका भेजा है पाकिस्तान को। आपको पता होगा सिंधु जल संधि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्वेत क्रांति 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि MVA-BN किस रोग की वैक्सीन है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये आपका एम पॉक्स का, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि जास्कर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्या आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये दूसरा स्थान हासिल किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला स्थान कौन हासिल किया है? तो ग्रेनेडा के एडरसन पीटर्स ने यानी 87.87 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ यह पहला स्थान हासिल किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि वंदे मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा है नमो भारत रैपिड रेल, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ध्यान रखिएगा पीएम मोदी ने 16 सितंबर 2024 को भुज और अहमदाबाद के बीच देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन यानी नमो भारत रैपिड रेल की हरी झंडी दिखाई है। तो किस कहां से कहां के बीच में चलाया है? तो भुज से लेकर अहमदाबाद के बीच में, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये आपका बनी है आतिशी मारलेना, ऑप्शन नंबर बी होगा, आतिशी मारलेना। अगला क्वेश्चन का है कि चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? ये रहा आपका भारत, ऑप्शन नंबर ए होगा। और भारत ने इसमें कुल 48 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा भारत। अगला क्वेश्चन का है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता आपका रिया सिंधिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन का है कि ऑस्कर अवार्ड्स 2025 के लिए किस फिल्म को भारत की ओर से फॉरेन फिल्म कैटेगरी ऑफिशियल एंट्री मिली है? ये आपका लापता लेडीज, फिल्म का नाम है लापता लेडीज, जिसे ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है, इसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है किस एक्टर का नाम को सितंबर 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? ये आपका नाम दर्ज हुआ है चिरंजीवी के, ऑप्शन नंबर डी होगा। चिरंजीवी 45 साल के कैरियर में 126 फिल्मों में 537 गानों में 24,000 डांस मूव्स करने के लिए यह अवार्ड मिला है, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स का नया चीफ किसे बनाया है? तो अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा, अमरप्रीत सिंह को इंडियन एयरफोर्स का नया चीफ बनाया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री सितंबर 2024 में कौन बनी है? ये आपका बनी है हरिणी अमरसुइया श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है श्रीमाओ भंडार नायके, और ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। ध्यान रखिएगा, श्रीमाओ भंडार नायके। दूसरी महिला है भंडार नायके कुमार तुंगा, और तीसरी महिला पीएम बनी है हरिणी अमरसुइया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि क्वाड ने हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र के लिए समुद्री पहल शुरू की है, उसका नाम लिखा है मैत्री, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका नाम रखा है मैत्री, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का आपका कि कैंसर मून शॉट पहल क्या है जिसे क्वाड समूह ने मंजूरी दी है। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम, पता लगाने और उपचार है। क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है? तो ध्यान रखिएगा, क्वाड में आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका, ये चार देश शामिल है आपका क्वाड में। और इस बार आपका क्वाड का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और अगले साल 2025 में ये कहाँ होगा? तो ये आपका भारत में होगा क्वाड का शिखर सम्मेलन, इसे भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि क्वाड समिट 2024 के दौरान अमेरिका ने कितने भारतीय पूरा अवशेष लौटाए हैं? तो ये लौटा आपका 297 अवशेष भारत को लौट आए हैं। कौन? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखिएगा, अनुरा कुमारा दिशानायके, ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, इसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि हाल ही में हुए 45वें चेस ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए किस कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ओपन टीम और महिला टीम, ये दोनों टीम ने यानी गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन आपका डी होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका मनाते हैं 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सुरेश कुमार कीर्त किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने आपका मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने आपका अनुराग गर्ग, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में नालको के सीएमडी कौन बने हैं? ये बने आपका ब्रिजेश प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसने किया है? ये क्या आपका निर्मला सीतारमण, आपको पता होगा कि वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी होगा। वात्सल्य योजना का लॉन्च किसने किया है? तो वित्त मंत्री ने किया है, कौन? निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार ने चंद्रमा की मिट्टी और अन्य नमूने एकत्र करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? ये दिया आपका चंद्रयान फोर मिशन का मंजूरी दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आपका ऐश्वर्या राय को, ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है कि किस देश ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजनाओं पर अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की घोषणा की है? तो ये क्या आपका अफगानिस्तान। देखिए तापी ये आपका शॉर्ट नेम है, इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल है और इन सभी का ये पाइपलाइन का नाम है तापी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये आपका मुंबई में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये क्या आपका त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन का आपका 19वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 19वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपका विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का आपका कि भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका महाराष्ट्र, इसे स्टार लगा लीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन करता है? ये आपका महाराष्ट्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर आपका मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ये जीत आपका ध्रुवी पटेल, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये क्या आपका प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हाल ही में किस राज्य ने हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा की शुरू की है? ये क्या आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी राजस्थान में अब यानी चिकित्सा के शिक्षा भी आपको हिंदी मीडियम में दी जाएगी। इससे पहले ध्यान रखिएगा, पहला आपका जो राज था ये आपका है एमपी मध्य प्रदेश, जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट किया था, और सेकेंड स्टेट आपका बना था हाल ही में बिहार, और ये आपका तीसरा राज बन गया है कौन, राजस्थान, जो हिंदी में अब मेडिकल की पढ़ाई यानी करवाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना किस भारतीय नौसेना नौकायान से दुनिया को चक्कर लगाएगी? तो ये आपका याद रखिएगा INSB तरंगनी से यह दुनिया को चक्कर लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन कर आपका केंद्रीय कैबिनेट ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, एक राष्ट्र एक इलेक्शन, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी दी है, यानी एक साथ आप चुनाव होगा। फर्स्ट फेज में आपका लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव होगा, और सेकेंड फेज में यानी इस चुनाव के 100 दिन के बाद आपका सेकेंड फेज में आपका सभी के पंचायती राज का चुनाव होगा, और जो आपका यानी नगर पालिका है इसका चुनाव होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा वन नेशन वन इलेक्शन इसका जो कमेटी बना था उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है। और यहाँ से आपका प्रश्न आएंगे तो एक बार डिटेल्स में आप वन नेशन वन इलेक्शन को पढ़ लीजिएगा, होगा तो हम आपको इस पर क्लास करवा देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में स्वीकृत की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना की अवधि क्या है? इसका अवधि है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस संस्था ने विश्व कप में पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की है? ये क्या आपका आईसीसी ने यह घोषणा किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत ने किस देश की सीमा पर वार लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ये आपका लगेगा म्यांमार के सीमा पर, ऑप्शन नंबर डी होगा। वार फेंसिंग लगाया जाएगा आपका भारत और म्यांमार के सीमा पर। अगला क्वेश्चन का है कि तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में
आयुक्त हुआ है, किस राज्य में हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका हुआ है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि भारतीय लाइट टैंक जुरावर का प्रारंभिक ऑटोमोटिव सफल परीक्षण किसने किया है, ये क्या आपका डीआरडीओ ने, ऑप्शन नंबर ए होगा, किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 47 है कि बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, ये जीता आपका अनमोल खड़ब, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनमोल खड़ब। अगला क्वेश्चन का है कि भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये क्या आपका ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की है, ये क्या आपका ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस राज्य में सेलुलाइटिस रोग के व्यापक रूप से फैलने के मामले देखे गए हैं, ये आपका फैला है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो पहले आपका ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है, तो ये अब होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा, इससे आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर्स पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में को किसने जीता है, यह जीता आपका पंजाब ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहले देश बना है, यानी विश्व का पहला देश बना है कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला, ये बना आपका जॉर्डन, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जॉर्डन विश्व का पहला देश है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है, यह किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये आपका है भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि लगातार छठे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है, ये किया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर ई होगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि भारत सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है, तो 1236 करोड़ का प्रावधान किया है वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए, और ध्यान रखिएगा यह एक शुक्र मिशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ध्यान रखिए ये आपका किया जाएगा सिकंदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 है, क्वेश्चन आपका सलीमा इम्तियाज ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला एम्पायर बनी है, ये बने आपका पाकिस्तान की, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये क्या आपका भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का आपका हाल ही में अभ्यास अकैया की शुरुआत हुई है, ये आपका हुई है चेन्नई से, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका 17 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच का प्रश्न था, ठीक है।
तो आपका सितंबर यानी 27 सितंबर तक आपका क्लास हो गया है। आगे आपका जो सितंबर क्वेश्चन होंगे उसको हम अगले क्लास में आपको करवा देंगे, और उसके बाद आपका सितंबर के आपका जितने भी अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं उन सभी को एक बार फाइनल रिवीजन के तौर पर एक मंथ के क्वेश्चन को एक साथ लेकर आएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपका वीकली क्लास चलते रहेगा। और एक चीज़ बता दें आपको कि 17वीं बीपीएससी के लिए हमने पूरे एक साल का 17वीं बीपीएससी के लिए हमने पूरे एक साल का आपका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको हम करवाएंगे पूरे एक साल, पिछले एक साल का हम 17वीं बीपीएससी के लिए, और उसी का लेवल के क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। 17वीं बीपीएससी के लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा और पूरे एक साल का हम क्वेश्चन करवाएंगे, और उसमें आपका लगभग 500 से अधिक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस क्लास को भी जरूर देखिएगा, और यह क्लास आपको बहुत ही जल्द होगा, 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।